हेलो आवे हेलो जय वीर जय भारत हेलो जय वीर जय भारत रामा मेरे लास्ट डिग्री रहेगी मेरे को लास्ट डिग्री एक मिल जाएगी तो सदियों से जो जानवर की भांति जी रहे थे उनका भला हो जाएगा। साहब जी आप हमेशा डिग्री के चक्कर में रहते हो लेकिन कभी आपने मेरे बारे में या मेरे राज रतन कौर के बारे में कभी सोचा है आपने? आप हमेशा रामा रहते हो क्या मेरा पत्नी के नाते कोई धर्म नहीं बनता? आप मेरे बारे में तो कुछ सोचो। आप हमेशा दलितों के बारे में सोचते रहते हो भला मेरा बारे में भी कुछ सोचो। मेरा नन्ना सा लाल हमेशा इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे पास आर्थिक कमजोर होने के कारण खर्चा भी नहीं रहता है। कभी कभी हमें कभी कभी भूखा भी सोना पड़ जाता है और आप ऐसी स्थिति छोड़ करके आप लंदन के लिए डिग्री लेने के लिए जा रहे हो। मेरे पास अब पैसे भी नहीं है। मैं कहां से आपको पैसे दूं? रामा चाहे जेवर बेच चाहे मजदूरी कर ये शर्त तो आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट मेरी डिग्री है। इस लास्ट डिग्री मिलने से सदियों से हमारे जो करोड़ों जानवर की भांति जीवन जी रहे उनका भला हो जाएगा और मेरे राजरत्न को आप कुशल पूर्वक रखना यही राजरत्न की सच कमाई। देखिए साहब जी हमेशा की तबीयत ठीक नहीं रहती और आप घर में धोखा देके जा रहे हो। अच्छा तो नहीं कर रहे आप हरे हरे हालत रमा तेरी मेरी भर के जाते आई फिकर करो ना मेरी औरते जाके करो पढ़ाई और देख के हालत रमा तेरी मेरी भर के जाते आई फिकर करो ना देखते हालत रमा तेरी मेरी भर के जाती आई देखते हालत रमा तेरी मेरी भर के जाती आई देखते हालत रमा तेरी मेरी भर के जाती आई हालत रमा तेरी मेरी भर के जाती आई जग में दुखिया और नहीं जग में दुखिया और नहीं हाथ ताम के धोखा देवे उससे बढ़कर थोर नहीं बेहोश मुझसा और नहीं देख के हालत रमा तेरी मेरी भर के जाती आई Bye.
मत ना मुझे मजबूर करो, मत ना मुझे मजबूर करो। सतियुगा में जल जल मरती थोड़ा जान जरूर करो, इनके दुख को दूर करो। देख के हालत रमा तेरी मेरी बल के साथी आई, कर करो ना मेरी और तेरे साथ करो पढ़ाई। होंगे दर्शन फेरे नहीं, होंगे दर्शन फेरे नहीं। मालिक के घर तेरे बतागी नहीं, तेरे वचन सब पूरे होंगे, झूठी तेरी तेरे नहीं। मेरा जैसा घर नहीं, देखते हालत रमा तेरी मेरी बर के साथी आई, कर करो ना मेरी और के जाके करो पढ़ाई। हर लेना इस जनता का, इनका दुख को दूर करो। देकर वचन भीमराजी ने लंदन को प्रस्थान किया, लंदन को प्रस्थान किया। अपना कर्म महान किया, अपना कर्म महान किया। देख के हालत रमा तेरी मेरी पर के जाती आई, कर करो ना मेरी और ते जाके करो पढ़ाई। देख के हालत रमा तेरी मेरी पर के जाती आई, कर करो ना मेरी और ते जाके करो पढ़ाई। जाके करो पढ़ाई, जाके करो पढ़ाई, जाके करो पढ़ाई। हे साहब जी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। जो देश में करोड़ों रामा है, भला उनके बारे में सोचो, क्योंकि मेरा वरदान कभी निष्फल नहीं जाएगा। आप जाओ रामा जाकर के, लास्ट मेरा ये राजरत्न है। इस राजरत्न को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इस राजरत्न की अपनी पढ़ाई लिखाई आ रही तकलीफ के बारे में आपको सुनो। साहब जी, खोल के आंखों को देखो, अजी खोल कर आंखों को देखो, ये बहुत अनजान है। अभी नहीं कुछ इसको अच्छे बुरे का ज्ञान है। भला मांस के लोथड़ा बेखलाए फूल है, इसका भूखा प्यासा रहना अपराध और भूल है। महाराज आप जा रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचते रहना, कभी आके हम ही भूल जाए। रामा, इस जीवन का, गृहस्थी जीवन की आप मालिक हो, इस राजरत्न की भी आप मालिक हो,
और संसार के जो भी पाल पोषण करने वाली है महिला से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं होता। आपकी ये पूरी मेहनत सफल होगी और आपका काम बिल्कुल ठीक है। साथ चाहिए बाबा साहब लंदन के लिए चले जाते हैं। अब पीछे से रमाबाई किस प्रकार से अपना घर गृहस्थी का गुजारा करती है और क्या घटना घटती होती है देखिए। क्या बेटे तुम्हें भूख लग रही है? मेरे लाल, तेरे पापा विदेश डिग्री लेने के लिए गए हैं। भला मेरे पास जो जेवर थे वो भी मैंने किसके गिरवे रख दिए। अब मैं तुझे खाना खा से लेके आऊं मेरे लाल। मैं नजदीक के बाजार कल गंडे बेचने जाऊंगी, वहां से कुछ पैसे लेकर के तेरे लिए कुछ खाने के लिए जरूर लेके आऊंगी। क्या मेरे लाल तुझे भूख ज्यादा जोर से सता रही है? ठीक है बेटे, आप तेरी दान करो, मैं अभी जाती हूँ और कंडे बेच करके कुछ ना कुछ मेरे लाल तेरे लिए खाने के लिए ले जो लेके आऊंगी। ठीक है ना, अभी रहना। Thank you.
सच्चे नाम दे दूंगी, खून पसीना टपके मेरा फिर भी मान दे दूंगी, लेकिन पैसा करता करके बच्चे नाम दे दूंगी, लेकिन पैसा करता करके बच्चे नाम दे दूंगी। अपने साहिब की खातिर मैं भूखी मरू पिताई बाण मेरी लंदन के माँ, मेरे बालम करे पढ़ाई बाण मेरी लंदन के कंडे में चल जाऊंगी, आधी और तूफान में भी कंडे में चल जाऊंगी, अपने साईं की खातिर मैं सारी चिंता दे लूंगी, आधी और तूफान में भी कंडे में चल जाऊंगी, आधी और तूफान में भी कंडे में चल जाऊंगी, एक एक बूंद खून की मैं उनके नाम करूंगी, अपनी जान दे करके मैं अपनी धर्म निभाऊंगी, अपनी जान दे करके मैं अपनी धर्म निभाऊंगी। मेरे बालम करे पढ़ाई बाण मेरी लंदन के माँ, मेरे बालम करे पढ़ाई बाण। रमा तू तो कंडे बेच ले, तेरा बच्चा बीमार है, भूख प्यासे से चिल्ला रहा है, भैया जल्दी आ रहा, अपने बच्चे को संभाल ले तू आके। देख तेरा बच्चा भूखा प्यासा चिल्ला रहा है, अपने बच्चों को संभाल। क्या मेरा बच्चा भूखा प्यासा? मेरे लाल मैं कितने निर्भाग्य हूँ, आज तुम मेरे कंडे भी नहीं बिके, किसी ने मेरे कंडे भी नहीं लिए, मेरे लाल मैं तुझे कहाँ से खाना ले जाऊँ मेरे लाल। मेरे लाल क्या तुझे सच में बड़ी जोर से भूख लग रही है? हाँ मम्मी। मेरे लाल आज तो मेरे कंडे भी नहीं बिके, मैं तुझे कहाँ से खाना ले जाऊँ मेरे लाल? पर कितना तुक्का बात टूट रहा है मेरे लाल, जरूर मैं तुझे कहीं ना कहीं से खाना लेके आऊंगी, धीरे से रखो। मम्मी कब लेकर आऊंगी? मेरे लाल मेरे कंडे बिकेंगे तब तुझे जरूर कहीं से लेके आऊंगी, मैं कहां से लेके आऊंगी? मैं तेरे पिताजी ने मैसेज करते बेटे, उनके लिए तार भिजवा करके अभी बुलवाती हूँ, ठीक है ना? तो अभी आपने देखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए लंदन जाते हैं और पीछे से माता रमाबाई किस प्रकार से त्याग और कैसे अपनी मेहनत मजदूरी के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, यहाँ तक कि कंडे बेचती है और यहाँ तक कि कई बार तो कंडे नहीं बिकते तो उनके बच्चे भूखे भी रह जाते हैं। इस तरह से हमारे को बाबा साहब ने और माता रमाबाई ने पूरी तरह से अपने जीवन निछावर कर दिया, बाबा साहब ने अपने तीन तीन बच्चे एक बच्ची को निछावर कर दिया और हमारे लिए हक और अधिकार दिलाया और उसके लिए हमने आज 128 जयंती पर यहाँ प्रोग्राम रखा है। तो एक बार माता रमाबाई के लिए जय लगाएंगे, माता रमाबाई की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।